व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग पिछले 5-6 दिन के अंदर, और काफी डाउट्स क्रिएट किए हैं। कहते हैं कि सुना है कि आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे और जिम के अंदर वर्कआउट करने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, मतलब आपकी डेथ हो सकती है। देखिए, पहले हार्ट अटैक और जिम दो अलग चीजें। जिम का कारण, जिम से किसी की डेथ नहीं होती। जो हार्ट अटैक है वो हार्ट की प्रॉब्लम है। समझते हैं कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, मतलब हमारा दिल धड़कता है। जब भी हमारा दिल धड़कता है तो ब्लड पंप कर रहा है, बहुत मतलब लाखों गैलन्स जो है दिन के अंदर हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो जब आपका हार्ट सही है, हेल्थी है, तो पंपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को बॉडी के, पूरी बॉडी के अंदर, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी इश्यू, कोई हार्ट प्रॉब्लम एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं है, तो आपका हार्ट अच्छी तरह पंप करेगा। तो आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो जिम के अंदर है, जिम के बाहर है, एनी एक्टिविटी यू डू, जॉब के अंदर, तो देयर शुड नॉट बी एनी इश्यू। या सिंपल। बट अगर आपके हार्ट की जो नसें होती हैं, आर्टरीज है, उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड क्लॉट, मतलब है कि जो जो नसें हैं जिसके अंदर से खून का फैलाव है आपका, जब उसके अंदर ब्लॉकेज होती है, तो वो उससे आपका जो खून का फ्लो है वो रुक जाता है। 60% ब्लॉकेज, 70%, 80%, 90%। जब ब्लॉकेज जो होगी, जब ब्लड पंप करते हैं तो ब्लड बाहर, अंदर आया बाहर नहीं गया, नसों से फैलाव नहीं है, तो चांसेस हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा है, नो मैटर व्हाट यू डू। इसका मतलब है कि वो लोग जिनको ब्लड क्लॉट है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं। इनका मतलब है कि वो बंदे जो हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई भी अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिम नहीं, आप बाहर भाग रहे हैं, ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर, आप जॉब के अंदर कोरियर में जॉब करते हैं, कोई ऐसी जगह जॉब करते हैं आपकी लिफ्टिंग है, तो आप जब आपकी हार्ट आपका वीक है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप मेडिकेशन पर हैं, तो आपको वहां पर हर ऐसी चीज, यहां पर आपका हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, तो आपको मेडिकल एडवाइस की जरूरत है। और जो लोग फिट हैं, उनको ऐसी एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिट हैं, उनके हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गुड। सो अगर किसी बंदे का जिम के अंदर डेथ हो रही है या डेथ हुई है हार्ट अटैक से, तो वो जिम का कोई मतलब नहीं है, आप जिम के इक्विपमेंट से कोई मतलब नहीं है, जिम के ओनर का, जिम का कोई भी मतलब नहीं है उसके अंदर। वो जो प्रॉब्लम उस पर्सन को थी, वो उस पर्सन की प्रॉब्लम थी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, हो सकता है वो उसको बिल्कुल नहीं मालूम, हो सकता है उसको मालूम हो, ये चीजें तो आपको मेडिकल टेस्ट में पता चलती है। तो अगर उसको मालूम है तब भी वो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बिना सोचे समझे कर रहे हैं, तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, और रिस्क में जान जा सकती है, जाती भी लोगों की। अब हार्ट प्रॉब्लम आपको क्यों है? देखिए, हार्ट प्रॉब्लम होने के कई कारण है। सबसे पहले आपका ईटिंग लाइफस्टाइल, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, सो यू हैव अ कोलेस्ट्रॉल इशू, राइट, बॉर्डर लाइन से बहुत ऊपर हो आप। आप स्मोक करते हैं जिससे ब्लड क्लॉट बना हुआ है। तीसरा, आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं, तो आपको वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होगी। उसके साथ साथ आपका जो हार्ट है वो एनलार्ज होता है, जो लोग ड्रग्स को यूज कर रहे हैं, ड्रग्स यूज करते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, अंडर द टेबल, तो आपका हार्ट जो इतना साइज होता है आपका, लाइक इतना साइज हार्ट का है, वो एनलार्ज होता है, तो हार्ट एनलार्जमेंट इज अ बिग इशू जब कोई स्टेरॉयड यूज करता है। तो क्या होता है, आप बाहर से तो फिट हैं, अंदर से फिट नहीं है, तो बहुत लोग बोल देते हैं यार जो बंदा फिट है उसकी भी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। देखिए, इसका मतलब है कि वो बंदा बाहर से जरूर फिट है लेकिन अंदर से ठीक नहीं है, उसकी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसुलिन का इशू हो सकता है,
उसके ब्लड प्रेशर इशू हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बाहर से ना देखिए, अंदर से आपका पता चलता है जब आप टेस्ट करवाते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है आपका, आपको पता चलता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या आपको सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप उस समय अपनी गेम प्लान चेंज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, क्योंकि आप अब नॉर्मल लोगों जैसे नहीं हो जो बिल्कुल हेल्थी है। तो सबसे पहला मैं आंसर जनरल पब्लिक को बताना चाहता हूँ। जनरल पब्लिक जो कि जिम जाती है, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गो टू जिम, वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें या दूसरा करें, एटसेट्रा, डजंट मैटर, डज नॉट मैटर। ठीक है, इंजरी से बचना आपने, और जान जाने का खतरा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वर्कआउट से जान नहीं जाती, मैं 24 साल हो चुके हैं और ऐसा नहीं होता। दूसरे लोग वो हैं जो अनफिट हैं, बिल्कुल नए नए हैं। अब जो बंदा नया नया इंडस्ट्री के अंदर जिम जा रहा है, वो बहुत ज्यादा करेगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन, डेथ नहीं होगी, मसल यू नो आपका मसल स्पैज्म, मसल स्प्रेन, यू नो इंजरी का खतरा आपके जॉइंट्स स्टफ, लिगामेंट स्टफ लाइक दैट। तो ये चीजें हैं, डेथ वगैरह नहीं है। तो उन लोगों को ध्यान देना है कि आप ट्रेनर के थ्रू एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें ताकि आपको इंजरी ना हो। धीरे धीरे अपने वेट लिफ्टिंग स्किल्स को इंक्रीज करते जाएं, और धीरे धीरे जब महीनों का एक्सपीरियंस होगा तो आपकी वेट लिफ्टिंग टेक्निक सही होगी, तो आप इंजरी से बचेंगे, जान जाने का खतरा जीरो है तब भी। तीसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस जिम के दौरान। अब वो लोग को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो ड्रग्स का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन वो मेडिकल चेकअप नहीं करवा रहे। उनके लिए सबसे पहली एडवाइस मेरी है कि आप मेडिकल चेकअप करवाएं अपना, चेक करें कि आपके ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इंजेक्ट तो करते जा रहे हैं, यू नो पिल्स तो लेते जा रहे हैं, लेकिन आपकी सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है, कभी आपने देखा है? वो देखना जरूरी है, वो विजुअल आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप रिपोर्ट नहीं डॉक्टर से लेकर आएंगे, देखेंगे नहीं कि आपके ऑर्गन सही सलामत है कि मैं खामखा बस टीका लगा रहा हूं, पॉप कर रहा हूं पिल्स को, जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर हो चुका है, यूथ फंसा हुआ है उसके अंदर। तो अगर आप उस कैटेगरी के अंदर हैं, यू आर ड्रग यूजर, देन यू गॉट टू बी स्मार्ट टू गो टू डॉक्टर एंड चेक रेगुलर बेसिस, ताकि ये ना हो कि अगला बंदे आप हो। क्योंकि जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, चाहे हाई इंटेंसिटी है, तो आपका आपका हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी आर्टरीज ब्लॉक है। जब आर्टरी ब्लॉक है तो ब्लड सर्कुलेशन में इश्यू होगा, और क्या होगा, हवा भर रहे हैं लेकिन हवा बाहर नहीं आ रही, तो देयर इज चांस ऑफ हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा है। जब क्लॉटिंग आपकी ज्यादा है तो आपको वहां पर ट्रेनिंग रूटीन ठीक करना पड़ेगा। नो मैटर हु यू आर, हाउ स्मार्ट यू आर, यू गॉट टू मेक श्योर यू हैव टू गो थ्रू द मेडिकल प्रोसेस टू डू योर रेगुलर चेकअप, ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। सो ये मेरी एक एडवाइस और सजेशन गुरुमान का आप सभी के लिए। देयर इज नो इश्यू, जिम जाएं, सही खाएं, यू नो सही तरीके से एक्सरसाइज करें, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। दिस इज गुरुमान गाइस, ओवर एंड आउट। Thank you.